फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ आपको क्या करना है कि एक प्रायोरिटाइज़ करना है यानी कोई भी चीज़ को प्रायोरिटी देना है आपको आप एक अपना शेड्यूल बना के रखिए ये काम करना है आपको ये वीक में ये डे और मंथ का पूरे मंथ का ताकि आपको ओवरलोड या ओवरवर्क नहीं हो बहुत सारा काम नहीं हो तो ज़्यादा ओवरवर्क करता तो हमें समझ में नहीं आता है कि वॉट हैज टू बी डन फर्स्ट तो प्रायोरिटी रखिए जो काम इंपॉर्टेंट है डू इट फर्स्ट मेक अ लिस्ट एक बुक में लिखिए डायरी रखिए एंड जो लेस इंपॉर्टेंट है वो आप बाद में भी कर सकते हैं सो दैट इज़ द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग ओवरलोड या काम ज्यादा नहीं लेना है। व्हाट इज योर कैपेसिटी यू जस्ट टेक अगर आप नहीं कर सकते हैं तो जस्ट रिफ्यूज अगर ओवर है तो यू कैन रिफ्यूज द पर्सन अगर आपको आप, कुछ ज्यादा ओवरलोड दे रहा है तो सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिड्यूस योर स्ट्रेस लेवल्स इज के यू हैव टू परस्यू योर हॉबीज आपकी जो भी हॉबीज हो आपके जो भी शौक हो आप उसको फॉलो करिए परस्यू करिए एटलीस्ट हफ्ते में दो तीन बार देखिए आप कि आप टाइम निकालते हैं एटलीस्ट फॉर एन आवर यू कैन रिमूव आपको जो शौक हो रीडिंग राइटिंग स्विमिंग सिंगिंग डांसिंग गार्डनिंग आपको जो भी पसंद हो रीडिंग राइटिंग वट एवर यू रिमूव टाइम फॉर दैट उससे आपका स्ट्रेस लेवल्स काफ़ी कम हो जाएगा थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड का मतलब है कि यू हैव

यू स्टे कनेक्टेड विथ पीपल और फ्रेंड्स कनेक्टेड रखिए अपने आप को लोगों के साथ जो पॉजिटिव लोग हैं जो आपको हैप्पी रखते हैं या अच्छी पॉजिटिव बातें करते हैं बीथ एनीबडी और फ्रेंड में कोई हो सकता है कोई फैमिली मेबर्स हो सकता है या नेबर्स हो सकते हैं तो जस्ट स्टे कनेक्टेड एंड शेयर योर प्रॉब्लम्स विद डैट पर्सन और दैट मेंबर जो भी हो उसके साथ जस्ट भी कनेक्टेड एंड शेयर करिए